गंगा जमनी तहजीब के लिए खास माने जाने वाली गुलाबी नगरी में हर एक पर्व शहरवासी भाईचारे के साथ मनाते हैं। तहजीब को अपने आंचल में छिपाए इस उत्सव का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बात होली और जयपुर की हो तो आखिर गुलाल गोटे की बात कैसे ना हो। गुलाबी नगरी की फिजाओं में राजा राजवाड़ों के जमाने के वक्त से रंग खेलने वाले गुलाल गोटे जयपुर ही नहीं देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। 4 ग्राम लाख और 8 ग्राम गुलाल दोनों का संगम पूर्व राज परिवारों से लेकर आम लोगों की पसंद बनता जा रहा है। मनिहारों के रास्ते पर सजी दुकानें इसकी गवाही हैं। मनिहार परिवार तो 9 पीढ़ियों से गुलाल गोटा बना रहा है। एकता और भाईचारे के साथ गंगा जमनी तहजीब के वजूद को बरकरार रखने वाले गुलाल गोटे को आखिर बनाते कैसे हैं? चलिए ये जानते हैं। दरअसल जयपुर के कई परिवार अपनी खास कारीगरी से गुलाल गोटे तैयार करते हैं। ये गुलाल गोटे पूरी तरह से लाख से बने होते हैं। एक गोटे में महज 5 ग्राम लाख का इस्तेमाल होता है। लाख को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। फिर गोलियों में फूंकनी के जरिए हवा भरी जाती है। गुब्बारे की तरह फुलाते हुए इसे रंग भरने के लिए तैयार किया जाता है। जब गोटा तैयार हो जाता है तो इसमें 20 से 30 ग्राम तक गुलाल भरी जाती है। खालिस अरारोट की गुलाल होती है और इसके बाद इसका मुंह बंद कर दिया जाता है। गुलाल गोटे की विदेशों में भी बतौर गिफ्ट बड़ी डिमांड है। 100 से लेकर 250 रुपए में आकर्षक गोल्डन डिब्बे की पैकिंग कर इन्हें भेजा जा रहा है। अब डिजिटल जमाने में इसे ऑनलाइन भी बेचा जाने लगा है। इतिहास की झरोखों में अगर देखें तो शहर की होली इन गुलाल गोटों के संग ही शुरू होती थी। शहर में राजा हाथी पर सवार होकर होली खेलने निकलते थे। तब ना गुब्बारे थे ना रासायनिक रंग। आम जनता पर वो पिचकारी से रंग फेंकते। सवारी के पीछे एक छकड़े में गुलाल गोटे रखे रहते थे जिन्हें राजा उठा उठा कर आम जनता पर फेंका करते थे। गुलाल गोटा गुलाल और रंग से भरे होते हैं, लिहाजा फेंक कर मारने से ये फूट कर रंग के साथ इनकी खुशबू भी चारों ओर बिखर जाती है। गुलाल गोटों का प्रयोग अब केवल सिटी पैलेस और रसूखदार लोगों की होली तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब आम लोग भी गुलाल गोटा खरीदते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।